गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो अपना क्लास है वो छठी क्लास है। पांच क्लासेस, पांच वीडियो अपने पहले बन चुके हैं और किरण प्रकाशिकी की जो आज क्लास है उस क्लास में अपन पढ़ने जाएंगे ये टॉपिक। पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे लेंस निर्माण सूत्र, दूसरा होगा लेंस सूत्र या लेंस समीकरण, फिर लेंस द्वारा जो है वो आवर्धन किस प्रकार होता है, लेंस की क्षमता क्या है और पतले लेंसों का संयोजन किस तरह से किया जाता है, क्या उनकी तुल्य फोकस दूरी होती है, क्या उनकी तुल्य क्षमता होती है, वो सब चीजें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो है लेंस निर्माण सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है। देखो, कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि किसी पतले लेंस से अगर अपवर्तन होता है तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, 1/V - 1/U बराबर म्यू 1/2 - 1/R1 + 1/R2। यह फॉर्मूला कल अपन ने व्युत्पन्न किया था। देखिए बेटा, कुछ बुक्स में जो है यहां पर माइनस का साइन लगा होता है। इसका कारण मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे मान लो ये कोई लेंस है, इधर वाली जो वक्रता त्रिज्या है वो R1 ली थी अपन ने और इधर वाली जो वक्रता त्रिज्या है वो अपन ने R2 ली थी। जहां माइनस का साइन लगा हुआ होगा उसका मतलब ये है कि R2 का साइन उन्होंने जो है चिन्ह परिपाटी काम में नहीं ली है अभी तक फॉर्मूले में, क्योंकि जैसे बिंब इधर रखा हुआ है तो इससे आने वाली प्रकाश किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक, तो R1 धनात्मक होगी और ये विपरीत दिशा में नापी गई दूरी है तो R2 ऋणात्मक होगी। R2 का साइन काम में लेंगे तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा। तो जहां प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब वहां चिन्ह परिपाटी काम में ली गई है, और जिन बुक्स में जो है माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब फॉर्मूला व्युत्पन्न करते समय वहां चिन्ह परिपाटी फॉर्मूले लिखने समय तक काम में नहीं ली थी। आप जब वैल्यू पुट करेंगे उस समय काम में ले सकते हैं। तो माइनस और प्लस के साइन से जो है आपको ये नहीं देखना है कि कुछ बुक्स में प्लस है और कुछ बुक्स में माइनस है। तो कल अपन ने फॉर्मूला देखा था 1/V - 1/U बराबर म्यू 1/2 - 1/R1 + 1/R2। देखिए, पहला टॉपिक है अपना लेंस निर्माण सूत्र। तो देखें कि यदि आपका बिंब कहां रखा हुआ हो, अनंत पर। यदि बिंब अनंत पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितनी होगी, फोकस दूरी के बराबर। तो मान लिया आपने पास कोई लेंस है, इस लेंस से अपवर्तन कर रहे हैं और बिंब आपका जो है वो कहां रखा हुआ है, अनंत पर। तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस बिंदु पर बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी जो है वो वी एफ आ जाएगी। तो ये मान फॉर्मूले में पुट करें तो 1/V की जगह आ जाएगा एफ माइनस 1/U की जगह आ जाएगा अनंत बराबर म्यू 1/2 - 1/R1 + 1/R2। ये जीरो हो जाएगा तो 1/F बराबर म्यू 1/2 - 1/R1 + 1/R2। अब देखिए, मान लिया आपने जो लेंस काम में लिया है उस लेंस की जो दोनों वक्रता त्रिज्याएं हैं वो यदि बराबर हों, अगर अलग अलग हैं तो ये फॉर्मूला है ही, और अगर दोनों लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हों, जो अक्सर बराबर होती हैं, तो R1 बराबर R2 बराबर मान लिया R हो, और जहां अपवर्तन हो रहा है मान लो प्रकाश किरण वायु या निर्वात से आपके लेंस में प्रवेश करती है, अपवर्तित होती है, तो निर्वात या वायु का जो अपवर्तनांक है वो लगभग एक होता है और लेंस का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक मान लो कितना है, म्यू है। तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं 1/F बराबर, इसको लिखेंगे म्यू बटे 1, तो सीधा म्यू लिख दें, म्यू माइनस 1, दोनों के मान समान है तो 1/R + 1/R। यहां चिन्ह परिपाटी फिर से काम में नहीं लेनी है आपको, क्योंकि अपना जो फॉर्मूला है उसमें चिन्ह परिपाटी अपन ने काम में ले ली थी पहले ही, इसीलिए प्लस का साइन आ रहा था। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा दोनों ऐड होकर के 1/F बराबर म्यू
माइनस वन, यहाँ म्यू लेंस का निरपेक्ष अपवर्तनांक है और आपका अपवर्तन जो है वो वायु से या निर्वात से लेंस में हो रहा है, 2 अपॉन आर, तो F बराबर आ जाएगा ये देखो R बटे 2 म्यू माइनस वन। ये जो फॉर्मूला है ये कहलाता है लेंस निर्माण सूत्र। यहां भी छोड़ सकते हैं इसको, दोनों त्रिज्याएं बराबर लें तो फिर आप यहां तक इसको हल कर सकते हैं। तो अगर अपने को वक्रता त्रिज्या दी हुई और लेंस का अपवर्तनांक दिया हुआ हो तो इस वक्रता त्रिज्या वाला जो लेंस बनेगा उसकी फोकस दूरी क्या होगी, आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर अपने को दी हुई हो कि मान लो आपको ऐसा लेंस बनाना है जिसकी फोकस दूरी ये हो, लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक हो गई और इस फोकस दूरी का लेंस बनाना है, तो उस लेंस की वक्रता त्रिज्या अपने को ये रखनी होगी। यानी कि आप जो है फोकस, एक निश्चित फोकस दूरी का लेंस बनाना चाहते हैं तो वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं, और एक निश्चित वक्रता त्रिज्या वाले लेंस का निर्माण करना चाहते हैं तो आप उसकी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सूत्र जो है, ये फॉर्मूला जो है वो कहलाता है लेंस निर्माण सूत्र। अब इसी से आप अगला टॉपिक भी कर सकते हैं। देखो अगला अपना है लेंस सूत्र या फिर लेंस समीकरण। तो देखें, यदि बिंब अनंत पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस दूरी पर बनता है, उसी के आधार पर आप इसको ये इस तरह से हल कर सकते हैं। अब देखो इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ लें, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर म्यू वन टू माइनस वन, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। लेंस अगर बिंब अनंत पर रखा है तो फोकस बिंदु पर जो है वो प्रतिबिंब बनेगा, ये कंडीशन रखें तो वन अपॉन एफ बराबर आ जाएगा। ये दोनों को एक साथ लिखे तो ये वाला जो पद है दोनों में सेम है, तो आप लिख सकते हैं वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर वन अपॉन एफ। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो कहलाता है लेंस सूत्र या फिर लेंस समीकरण, जिसको आप दूसरी प्रकार से भी जो है सिद्ध या व्युत्पन्न कर सकते हैं। वो देखो कैसे कर सकते हैं, एक तो सीधा सा लेंस, ये जो पतले लेंस से अपवर्तन का फॉर्मूला है उससे सीधा निकाल सकते हैं इस प्रकार से, और दूसरा आप इस लेंस सूत्र या लेंस का जो समीकरण है उसको इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो मान लिया कोई उत्तल लेंस है अपने पास और ये इसका मुख्य अक्ष है और ये प्रकाशीय केंद्र है। देखो जैसे दर्पण में प्रकाश किरणों का परावर्तन का जो नियम अपन ने देखे थे तीन, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी, अपवर्तन परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, बिल्कुल ऐसा कैसा यहाँ होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, और जो प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर आती है अपवर्तन के, ये फोकस बिंदु नहीं प्रकाशीय केंद्र से होकर आती है अपवर्तन के पश्चात अविचलित सीधी गुजर जाती है, तो आपका जो दोनों प्रकाश किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। तीसरी प्रकाश किरण आप ये ले सकते हैं कि जो फोकस बिंदु से होकर आ रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी अपवर्तन के पश्चात। लेंस में फोकस बिंदु दो होते हैं, एक प्रथम फोकस कहलाता है और एक द्वितीय फोकस कहलाता है। जिस तरफ आपका बिंब रखा हुआ है उधर जो फोकस बिंदु होगा वो प्रथम फोकस कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है, और सामने की ओर जो फोकस बिंदु होता है वो द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है, जिसको F2 से भी आप लिख सकते हैं। तो मान लिया जैसे यहाँ पर कोई PQ बिंब है, उस PQ बिंब का जो है वो P'Q' के रूप में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। यहाँ अगर देखें तो देखो ये बिंदु मान लिया कि M है और ये बिंदु मान लिया O है, तो एक त्रिभुज अपन लें, जिस प्रकार दर्पण में किया था वैसे के वैसे लेंस सूत्र यहाँ भी व्युत्पन्न कर सकते हैं, त्रिभुज O P Q, तो P O Q एक त्रिभुज तो ये लें और दूसरा त्रिभुज जो है एक तो P O Q और एक आप ले लें P' O Q' P' O Q'। इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये कोण और ये कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो आपस में बराबर होंगे, ये यहाँ समकोण है और यहाँ पर भी ये समकोण है, तो किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर हों, यानी कि एक तो कोण बराबर है अपना पी ओ क्यू बराबर है कोण पी डैश ओ क्यू डैश, और एक कोण पी बराबर है कोण पी डैश जो क्या है समकोण है,
तो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, यानी कि आपके ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज पी डैश ओ क्यू डैश। और समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो आप इन दोनों त्रिभुजों में समरूपता का नियम लगाएं तो पी क्यू बटे पी डैश क्यू डैश का अनुपात इस भुजा का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो पी ओ बटे पी ओ डैश ये बराबर होगा। इसको मान लें आप समीकरण नंबर एक। इसी तरह से फिर से दो त्रिभुज देखें, एक तो है ओ एफ टू एम और एक एफ टू क्यू डैश पी डैश। तो देखो अगला लें त्रिभुज एम एफ टू ओ व त्रिभुज पी डैश एफ टू क्यू डैश, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि कोण ओ एफ टू एम बराबर है कोण पी डैश एफ टू क्यू डैश, और इनमें भी जो है कोण ओ बराबर है कोण पी डैश जो समकोण है। तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी कि एम एफ टू ओ समरूप होगा त्रिभुज पी डैश एफ टू क्यू डैश, दोनों त्रिभुज समरूप हैं और दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि इस भुजा की संगत ये भुजा होगी, इस भुजा की संगत ये वाली भुजा होगी। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लें तो ओ एम बटे पी डैश क्यू डैश बराबर होगा ओ एफ टू, ओ एफ टू बटे एफ टू पी डैश, एफ टू पी डैश। लेकिन यहाँ देखें जो ओ एम है वो किसके बराबर है, पी क्यू के, तो ओ एम को जो है आप पी क्यू के बराबर ले लें, तो पी क्यू के पदों में इसको लिखें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पी क्यू बटे पी डैश क्यू डैश बराबर हो जाएगा ओ एफ टू बटे एफ टू पी डैश। इसको मान लें समीकरण नंबर दो। देखो समीकरण एक पी क्यू बटे पी डैश क्यू डैश और इसमें भी पी क्यू बटे पी डैश क्यू डैश, तो दोनों को आपस में बराबर लिखें। तो समीकरण एक व दो से क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं पी ओ बटे पी ओ डैश बराबर होगा ओ एफ टू बटे एफ टू पी डैश। अब चिन्ह परिपाटी के आधार पर इन दूरियों के अपने को मान रखने हैं। तो देखो पीओ का मान कितना होगा, पीओ बिंब कितनी दूरी पर रखा हुआ है, मान लो बिंब यू दूरी पर रखा है जिसका प्रतिबिंब पी डैश क्यू डैश के रूप में मान लिया कितनी दूरी पर बनता है, वी दूरी पर बनता है, और आपकी फोकस दूरी मान ली कितनी है, एफ है। तो चिन्ह परिपाटी के आधार पर पीओ आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी है, तो पीओ को आप क्या लिखोगे, पीओ का जो मान है वो क्या होगा, माइनस यू। फिर पी ओ डैश, पी ओ डैश, ओ डैश अपना है ये है पी ओ डैश इस त्रिभुज में, ओ डैश तो अपन ने लिया नहीं, ओ पी डैश है, ओ पी डैश ये वाली भुजा है, तो ओ पी डैश होगी यहां पर, पी ओ डैश ना होकर ओ पी डैश। तो देखो ओ पी डैश क्या होगी, ओ पी डैश आपतित प्रकाश किरण की दिशा में नापी की दूरी है जो कितनी है, v, तो ओ पी डैश बराबर क्या आ जाएगा, v। फिर है ओ एफ टू, तो ओ एफ टू देखें, ओ एफ टू, ओ एफ टू ये वाली दूरी है और f है आपतित प्रकाश किरण की दिशा में है तो प्लस की रखेंगे क्योंकि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में नापी की दूरी धनात्मक होती है। फिर है f2 p डैश, तो p डैश f2 ये वाली दूरी, यानी आप पूरी ओ पी डैश में से ओ एफ टू कम कर दें तो f2 p डैश बच जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ओ पी डैश माइनस ओ एफ टू, यानी ओपी डैश का मान कितना होगा, v माइनस एफ। चारों दूरियों के मान इस फॉर्मूले में रखें तो आ जाएगा अपने पास ओपी का मान
माइनस यू बटे वी बराबर होगा एफ बटे वी माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस यू वी माइनस एफ और वी एफ, यानी माइनस यू वी प्लस यू एफ बराबर वी एफ। इसको इधर ले आएँ और इस दूरी को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा यू एफ माइनस वी एफ बराबर यू वी। दोनों तरफ यू वी एफ का भाग दे दें, यू वी एफ और यू वी एफ। तो देखो यू एफ से यू एफ कट जाएगा, वी एफ से वी एफ कट जाएगा और यू वी से यू वी कट जाएगा, यानी ये तो आ जाएगा अपने पास वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर वन अपॉन एफ। तो ये फॉर्मूला कहलाता है लेंस सूत्र या लेंस समीकरण, जो आप सीधे पतले लेंस से अपवर्तन वाले फॉर्मूले से भी आप आसानी से ये व्युत्पन्न कर सकते हैं, और इस तरह से जो है दोनों डायग्राम ये लेंस से अपवर्तन का एक एग्जांपल लेकर के भी आप इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कहलाता है लेंस समीकरण, जिसके अनुसार प्रतिबिंब व बिंब की दूरियों के व्युत्क्रमों का अंतर, जिसके अनुसार प्रतिबिंब व बिंब की दूरियों के व्युत्क्रमों का अंतर लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो है लेंस द्वारा आवर्धन। लेंस जो है किसी बिंब का आवर्धन जो करता है, उसे बड़ा करके जो दिखाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो जिस प्रकार दर्पण द्वारा आवर्धन था, बिल्कुल वैसे ही जो है वो लेंस द्वारा आवर्धन होगा। मान लिया ये कोई लेंस है, उत्तल लेंस है, और इसके सामने जो है कोई बिंब रखा हुआ है। इस बिंब का जो है वो मान लिया यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है, ये पी क्यू बिंब है जिसका पी डैश क्यू डैश के रूप में एक प्रतिबिंब बन रहा है। मान लिया यू दूरी पर बिंब है और वी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। बिंब की ऊंचाई मान लिया h है और प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लिया h डैश है। जो चिन्ह परिपाटी दर्पण के लिए काम में लेते हैं वही लेंस के लिए है। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो इसी के आधार पर आप यहां लेंस द्वारा आवर्धन देखें, तो लेंस द्वारा जो आवर्धन का फॉर्मूला है, आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। यह है लेंस का आवर्धन, जिसको किससे दर्शाते हैं? m से दर्शाते हैं। तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे बिंब की ऊंचाई h। ये तो बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई के रूप में आप लिख सकते हैं। दूसरा, यहां से आप जो है बिंब और प्रतिबिंब की दूरियों के रूप में अगर फॉर्मूले को लिखना चाहें, तो उसके लिए आप देखो त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज पी डैश ओ क्यू डैश में देखें, तो ये कोण इसके बराबर है और ये समकोण है, ये समकोण, यानी दोनों त्रिभुज क्या हैं आपके? समरूप त्रिभुज हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इन दोनों त्रिभुजों में, यानी कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज पी डैश ओ क्यू डैश, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो आप लिख सकते हैं कि पी डैश क्यू डैश बटे पी क्यू, पी डैश क्यू डैश बटे पी क्यू संगत भुजाएं हैं, ओ पी डैश बटे ओ पी, तो बराबर होगा ओ पी डैश बटे ओ पी। मान रखे चिन्ह परिपाटी के आधार पर, तो पी डैश क्यू डैश मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ नापी की दूरी है इसलिए माइनस की होगी, तो माइनस एच डैश, पी क्यू ऊपर की तरफ नापी की दूरी है तो धनात्मक, बराबर ओ पी डैश, ओ पी डैश आपतित प्रकाश किरण की दिशा में नापी की दूरी है तो प्लस की भी, बटे ओ पी आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में नापी की दूरी है इसलिए माइनस वी, माइनस से माइनस कट जाएगा, एच डैश अपॉन एच बराबर वी अपॉन U आ जाएगा। तो आपका आवर्धन का जो फॉर्मूला है वो दूरियों के रूप में क्या होगा, या तो आप लिख सकते हैं H डैश अपॉन H या फिर आप लिख सकते हैं V अपॉन U। ये है लेंस से लेंस द्वारा आवर्धन का फॉर्मूला। दर्पण में क्या था? केवल यहाँ नेगेटिव साइन था, दर्पण में आवर्धन यही होगा अगर यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये दर्पण द्वारा आवर्धन है और ये लेंस द्वारा आवर्धन है। तो लेंस द्वारा आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, या फिर प्रतिबिंब की लेंस से दूरी बटे बिंब की लेंस से दूरी,
तो ये लेंस द्वारा आवर्धन कहलाता है। अब अगला जो टॉपिक है अपना वो है लेंस की क्षमता या फिर लेंस की शक्ति, जो आप छोटी 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। लेंस शक्ति जो है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस शक्ति होती है, लेकिन इसको आप यहाँ परिभाषित कैसे करें लेंस की क्षमता या शक्ति को। तो देखो, वैसे तो लेंस की क्षमता या शक्ति को P से डिनोट करते हैं और P बराबर 1/F होता है, लेकिन आप यहाँ पर इसको इस तरह से न समझा करके इसको आप इस तरह से समझाएंगे कि मान लिया जैसे कोई उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से इकाई दूरी पर इसके समांतर आती हुई प्रकाश किरण, ये जो प्रकाश किरण की दूरी है वो 1 मीटर लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ अपवर्तन के पश्चात जिस कोण पर मुख्य अक्ष को काटती है वो कोण मान लो जैसे कितना है, अल्फा है। तो देखो, मुख्य अक्ष से इकाई दूरी पर समांतर आती हुई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस कोण पर काटती है उस कोण का स्पर्शज्य, उस कोण का स्पर्शज्य लेंस की क्या कहलाती है, शक्ति या फिर उसका क्षमता कहलाती है। तो लेंस शक्ति या लेंस क्षमता क्या होगी कि मुख्य अक्ष से इकाई दूरी पर मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाते हुए अपवर्तित होती है उस कोण के स्पर्शज्य का मान लेंस की क्षमता या शक्ति कहलाता है। यहां से टैन अल्फा का मान निकालें तो ये आएगा लंब बटे आधार, तो लंब तो है आपका 1 मीटर और आधार ये क्या होगा, ये फोकस बिंदु होगा मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरण, तो ये फोकस दूरी आ गई, तो वही फॉर्मूला आ जाएगा आपका 1/F, यानी कि P बराबर क्या होगा, टेन अल्फा P, या फिर आप लिख सकते हैं 1/F। तो ये लेंस की क्षमता या शक्ति कहलाती है, जिसका मात्रक क्या होगा, प्रति मीटर या फिर डायोप्टर, प्रति मीटर या फिर डायोप्टर के रूप में इसको जो है मात्रक को जाना जाता है। अब अपना आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है पतले लेंसों का संयोजन, दो पतले लेंसों को संयोजित करें तो उनकी तुल्य शक्ति क्या होगी, तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, तुल्य आवर्धन क्या होगा, वो सब अपने को इसमें देखना है। तो सब अब अगला जो अपना टॉपिक है वो है पतले लेंसों का संयोजन। मान लिया दो पतले पतले लेंस हैं, उनको आपस में अपन ने संयोजित कर रखा है, इस तरह से पास पास दोनों को रख रखा है और दोनों से अपवर्तन को देखते हैं, ये अपवर्तन को देखते हैं। मान लिया यहाँ कोई बिंब रखा हुआ है ओ, जिससे निकलने वाली प्रकाश किरण पहले लेंस से अपवर्तित होगी, फिर दूसरे लेंस से अपवर्तित होगी और फिर अंतिम प्रतिबिंब बनाती है। मान लिया ये लेंस L1 और ये लेंस L2 है, जो ओ पर रखे बिंब का प्रतिबिंब O' के रूप में बनाते हैं। पतले लेंस हैं तो उनकी जो प्रकाशीय केंद्रों के मध्य की दूरी है या दोनों लेंसों के मध्य की दूरी है वो एक दूसरे पर संपत्ति आप मान सकते हैं। तो जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो मान लिया कितनी दूरी पर बन रहा है, V दूरी पर बन रहा है, और जो आपका बिंब रखा हुआ है वो मान लिया कितनी दूरी पर रखा हुआ है, U दूरी पर रखा हुआ है। U दूरी पर रखे बिंब का दोनों लेंसों की सहायता से V दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। मान लिया आपके पहले लेंस की फोकस दूरी F1 है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2 है। तो देखो, पहला अपवर्तन लेंस L1 से हो रहा है, तो मान लिया दूसरा लेंस है ही नहीं, अगर दूसरा लेंस नहीं है तो आप केवल पहले लेंस से अपवर्तन को देखें तो उसका डायग्राम इस तरह से दे सकते हैं आप, ये O और इससे U दूरी पर बिंब रखा हुआ है, तो इससे आने वाला प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मान लो यहाँ प्रतिबिंब बनाती है O" पर, जो मान लिया कितनी दूरी पर है, V' दूरी पर। इसमें ये मान लेते हैं कि दूसरा लेंस रखा हुआ ही नहीं है, अगर दूसरा लेंस रखा हुआ ही नहीं है तो मान लो पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, O" पर बनता है, V' दूरी पर बनता है। तो यहाँ से आप लेंस फॉर्मूला काम में लें तो क्या आ जाएगा, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F से। इस फॉर्मूले को काम में लें तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, V' दूरी पर, तो माइनस 1/U बराबर फोकस दूरी कितनी है पहले लेंस की, F1, इसकी फोकस दूरी F1 है, तो F1 से आप इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो, ये मान लो कि पहला लेंस नहीं है, दूसरा लेंस अब अगर इसके आगे रखें
तो दूसरे लेंस के लिए ये वाली जो प्रकाश किरण है, यहां पर देखो ये वाली प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण होगी, जो पहले लेंस से अपवर्तित प्रकाश किरण है वो दूसरे लेंस के लिए आपतित प्रकाश किरण होगी, यानी कि पहले लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगा बेटा, बिंब का काम करेगा। तो दूसरे लेंस से अगर अपवर्तन को देखें तो दूसरे लेंस के लिए ये जो ओ डबल डैश पर प्रतिबिंब बन रहा है, जो वी डैश दूरी पर है, वो किसका काम करेगा, बिंब का कार्य करेगा, और इसका अंतिम प्रतिबिंब जो है लेंस L2 कहां बना देगा, O डैश पर बना देगा, जो दूरी कितनी होगी, V होगी। दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी है, F2। तो यहां समझने वाली बात यही है कि दूसरे लेंस के लिए पहले लेंस से अपवर्तित होकर आने वाले प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण होगी, यानी कि पहले लेंस से बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगा, बिंब का कार्य करेगा। तो लेंस L2 से लेंस सूत्र से देखें तो 1 अपॉन V प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, V दूरी पर बन रहा है, O डैश के रूप में V, तो माइनस 1 अपॉन U, बिंब कितनी दूरी पर है, V डैश दूरी पर, क्योंकि दूसरे लेंस के लिए ये V डैश ही प्रतिबिंब की, बिंब की दूरी होगी, क्योंकि दूसरे लेंस के लिए यही बिंब है, बराबर दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से एक पहले लेंस से अपवर्तन के सूत्र से और दूसरे लेंस से अपवर्तन के सूत्र से दो फॉर्मूले निकालेंगे, दो सूत्र फॉर्मूले निकालेंगे, दोनों को एक साथ लिखें, दोनों को आपस में ऐड कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो क्या आएगा, 1 अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी डैश बराबर 1 अपॉन एफ1 प्लस 1 अपॉन एफ2। तो देखो 1 अपॉन वी डैश से 1 अपॉन वी डैश कट जाएगा, यानी कि 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन U बराबर 1 अपॉन एफ1 प्लस 1 अपॉन एफ2, ये फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा। अब देखो अपने को क्या करना है, दो पतले लेंसों के संयोजन में तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करनी है, कि तुल्य अगर दोनों की जगह एक ही लेंस काम में ले लें तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो मान लिया दोनों लेंसों की जगह जो है आपने एक ही लेंस काम में ले लिया, और ऐसा लेंस काम में लिया जो दोनों के समान कार्य कर रहा है, यानी कि एक ऐसा लेंस काम में लिया जो प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, O डैश पर बना रहा है और V दूरी पर बना रहा है, यानी U दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, V दूरी पर। तो आप कह सकते हैं कि ये लेंस जो है इन दोनों का क्या है, तुल्य लेंस है। तो इन दोनों का तुल्य लेंस मान लो ये है और इसकी फोकस दूरी कितनी है, F। तो यहाँ पर लेंस सूत्र काम में लें तो आ जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर 1 अपॉन F। यदि ये लेंस इन दोनों का तुल्य लेंस है तो ये जो है उस बिंब का प्रतिबिंब वहीं बनाएगा जहां ये दोनों लेंस मिलकर बना रहे हैं, इसलिए आप इसको कहेंगे तुल्य लेंस। तो यहां तुल्य लेंस के से अपवर्तन जो हो रहा है उसका सूत्र अपने पास ये प्राप्त हुआ, और दोनों अलग अलग लेंसों से देखें तो ये प्राप्त हो रहा है। तो दोनों को एक साथ लिखें, ये मान लो समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 4 है। तो समीकरण 3 और 4 से देखें तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू और 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू दोनों बराबर हैं, तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन एफ1 प्लस 1 अपॉन एफ2। ये आ गया लेंसों के संयोजन से तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला, जिसके अनुसार क्या है कि दो लेंस अगर संयोजन में रखे हैं तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों का योग तुल्य फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अब मान लो बहुत सारे लेंस जो हैं इस प्रकार संयोजन में रखे हुए हैं तो तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, तो अब इस फॉर्मूले की सहायता से आप आसानी से लिख सकते हैं तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, सभी लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के योग जो है वो तुल्य फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। यानी कि अगर एफ वन एफ टू एफ थ्री डॉट डॉट एफ एन फोकस दूरी वाले बहुत सारे लेंस संयोजन में रखे हैं तो तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन एफ1 प्लस 1 अपॉन एफ2 प्लस 1 अपॉन एफ3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन fn। यदि जैसे अब अगर देखेंगे मान लो जैसे एक लेंस जो है उत्तल लेंस है और एक लेंस जो है अवतल लेंस है और दोनों की फोकस दूरी क्या है, बराबर है, इसकी भी f है और इसकी भी f है, लेकिन बेटा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इस स्थिति में तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, तुल्य फोकस दूरी 1 अपॉन f डैश बराबर 1 अपॉन f माइनस आ जाएगा 1 अपॉन f। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक ले लेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन f डैश बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि f डैश बराबर क्या होगा, अनंत। यानी कि ऐसा संयोजन जो है वो एक समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी, अनंत, यानी कि प्रकाश किरणें अपवर्तित होने के पश्चात सीधा उसी पथ पर
गमन करती हैं, सीधी रेखा में गमन करेंगे तो समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। तो तुल्य फोकस दूरी का तो फॉर्मूला क्या है संयोजन में, 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/fn, ये तो है तुल्य फोकस दूरी। अब मान लो अपने को निकालना हो कि लेंसों के संयोजन में तुल्य आवर्धन क्या होगा, तो मान लो जैसे इसी तरह से बहुत सारे n लेंस आपस में रखे हुए हैं, संयोजन में रखे हुए हैं, इस तरह से n लेंस जो है उनका संयोजन है, मान लो ये L1 है, L2, L3, L4 LN है, और यहाँ कोई बिंब रखा हुआ है O पर जो कितनी दूरी पर है, U दूरी पर है मान लिया। तो ये जो बिंब रखा हुआ है इसकी ऊंचाई मान लो कितनी है, H है, H ऊंचाई का कोई बिंब रखा हुआ है, इसका पहले अपवर्तन पहले लेंस से होगा और पहला लेंस मान लो H डैश ऊंचाई का प्रतिबिंब बनाता है। अब दूसरे लेंस के लिए ये बिंब है और दूसरा लेंस इस बिंब का प्रतिबिंब मान लिया किस रूप में बनाता है, H" के रूप में बनाता है। फिर तीसरे लेंस के लिए ये बिंब है और तीसरा लेंस इस बिंब का प्रतिबिंब H" के रूप में बनाता है। इसी तरह से चौथे लेंस के लिए फिर ये बिंब होगा तो चौथा लेंस जो है प्रतिबिंब H" के रूप में बनाएगा और अंतिम प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, HN आ जाएगा, यानी कि अंतिम लेंस जो है वो HN के रूप में प्रतिबिंब बनाएगा, अंतिम लेंस HN के रूप में प्रतिबिंब बनाएगा और इसके लिए बिंब क्या होगा, N-1 होगा। अब सबकी देखें, देखो पहले लेंस का आवर्धन तो क्या होगा, M1 = H - H, दूसरे के लिए H" / H', तीसरे के लिए H" / H". ठीक इसी तरह से चौथे के लिए H" / H" और nवें के लिए क्या आ जाएगा, HN / HN-1 आ जाएगा। तो ये इनकी सबकी अलग अलग आवर्धन क्षमता है, लेकिन अंत में अपना प्रतिबिंब कितना बन रहा है, HN, और बिंब कितना था, H। तो अगर सभी लेंसों के संयोजन की बात करें तो तुल्य आवर्धन तो यही हुआ, अंतिम प्रतिबिंब तो यही बना और पहला बिंब ये है, तो तुल्य आवर्धन जो है वो M0 से इसको डिनोट करें तो ये क्या आ जाएगा, HN/H आएगा, यानी अंतिम प्रतिबिंब बटे बिंब की ऊंचाइयों का अनुपात। तो आप इसको बेटा इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, M0 = H" / 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 H"
देखते जाएं तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये अगले से होगा और ये इधर वाले यहाँ से हो जाएगा, तो अंत में बचेगा क्या, एच एन अपॉन एच, यही वापस आ जाएगा, यानी कि तुल्य आवर्धन। तो तुल्य आवर्धन एम जीरो बराबर क्या होगा, देखो एच डैश अपॉन एच, पहले लेंस का आवर्धन एम वन इंटू एच डबल डैश बटे एच डैश, दूसरे लेंस का आवर्धन तो एम टू। तो इस तरह से जो है ये आ जाएगा एम थ्री, ये आ जाएगा एम फोर डॉट डॉट एम एन। तो ये लेंसों के तुल्य आवर्धन क्षमता आ गई एक प्रकार से। तो देखो लेंसों के संयोजन में तुल्य फोकस दूरी, सभी लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों का योग जो है तुल्य फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है, और तुल्य आवर्धन क्षमता सभी लेंसों की आवर्धन क्षमताओं के गुणनफल के बराबर होती है। अब सॉरी तुल्य आवर्धन और तुल्य आवर्धन क्षमता या तुल्य शक्ति क्या होगी वो देखें, तो यहां से 1/f बराबर क्या होगा p, 1/f1 बराबर आप लिख सकते हैं पहले लेंस की शक्ति, 1/f2 बराबर लिख सकते हैं दूसरे लेंस की शक्ति, 1/f3 बराबर लिख सकते हैं आप तीसरे लेंस की शक्ति। तो इस तरह से जो है आप शक्ति को डिनोट कर सकते हैं। तो तुल्य शक्ति क्या आ जाएगी, p बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस डॉट डॉट pn, यानी कि तुल्य शक्ति क्या होगी लेंस की, सभी लेंसों की शक्तियों के योग के बराबर तुल्य शक्ति होगी। तो ये था अपना अंतिम आज का टॉपिक पतले लेंसों का संयोजन, जिसमें अपन ने देखा कि तुल्य फोकस दूरी क्या होती है, तुल्य आवर्धन क्या होता है, तुल्य शक्ति क्या होती है। तो आज के जो टॉपिक थे वो था अपना लेंस निर्माण सूत्र, लेंस सूत्र, लेंस द्वारा आवर्धन, लेंस की क्षमता और पतले लेंस का संयोजन जो अपन ने पढ़ा। आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। अगले जो क्लास में अपना टॉपिक होगा वो होगा लेंसों का वियोजन, उसके बाद लेंसों से प्रतिबिंब का बनना आदि। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं।